ये व्यवसायिक चैनल नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के गंडे ताबीज या मुद्रिकाएं वगैरह नहीं बेचे जाते। इस चैनल का उद्देश्य केवल साधकों और साधना में रुचि रखने वालों को ज्ञान प्रदान करना है। हमारे यहाँ सभी साधनाएं हमेशा से निःशुल्क कराई जाती रही हैं और निःशुल्क ही कराई जाती रहेंगी। हम साधक हैं और हम चाहते हैं कि नए साधक तैयार हों। हम तंत्र को वापस उन्हीं बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं जहां कभी यह था। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सबको आज आसन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। और सबसे मूल जो आज है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि संकल्प हम लोग कैसे लेते हैं और क्यों इसका आवश्यक संकल्प लेना होता है। दोस्तों, आप एक साधक बन रहे हो तो आपके पास कम से कम एक इतना मोटा एक आपके पास में आसन होना जरूरी है, जो किसी भी कलर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर आप एक लाल कलर का एक इस तरह का आसन आ रहा है आजकल मार्केट में, 50-60 रुपए का आएगा नॉर्मल, वो आप ले आइए। आपको लाल कलर में साधना करनी है, आप ऐसे ही इससे साधना कर सकते हैं। यदि आपको सफेद में आसन पे साधना करनी है तो आप इसके ऊपर इस तरह से आप एक सफेद रंग का कपड़ा बिछा लीजिए और आप आराम से बैठ करके इसके ऊपर साधना कर सकते हैं। अगर आपको हरे कलर पे साधना करनी है बैठ करके, तो आप इसी के ऊपर आप एक हरे रंग का कपड़ा इस तरह से बिछाइए और उसके ऊपर अपना बैठ के अपना आराम से साधना कीजिए। आपको समझ में आ रहा है सारा कि एक केवल आपको एक इस तरह का आसन बना लेना है और उस आसन के ऊपर बैठकर आपको ये ऐसे आसन डाल देने हैं और उसके ऊपर आराम से बैठ के आपको साधना कर लेनी है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। गद्दा होगा नीचे मोटा मजबूत, या तो आप रुई का भरवा लीजिए या आजकल मार्केट में फोम के आ रहे हैं, आप वो फोम के आसन भी ले सकते हैं। आपको कोई भी किसी भी कलर की जिस भी साधना करनी है, क्योंकि सीधे कपड़े पर बैठने से नीचे की जो जमीन है वो हार्ड रहती है, उस पर नहीं बैठा जाता। आपको एक मोटा गद्दा बना लेना है ऐसा मजबूत, जिसके ऊपर बैठ के आपको साधना करनी है आराम से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको आसन को सेट करना है अपना। लाल रंग का चाहिए होगा तो इसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा दीजिए, हरे रंग का है तो हरा बिछा दीजिए, काला चाहिए तो इसके ऊपर आप काले कलर का डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जब आप आसन पे बैठते हैं, आसन को ऐसे प्रणाम कीजिए और इनसे बोलिए, मन मार मैदान करूं करूं मैं चकनाचूर, पांच महेश्वर आज्ञा करो तो बैठूं आसन को। बैठिए, आपका आसन है, आपने ग्रहण किया है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग हाथों में थोड़े से पानी लेते हैं सर्वप्रथम, और ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वा एतम गतो कि स्मरेत पुण्यकक्ष भाव्यार्थ सूची ओम पुनात पुण्यकक्ष ओम पुनात पुण्यकक्ष ओम पुनात पु, और इस तरह से पानी अपने चारों तरफ छिड़क लिया जाता है। ये आपकी शुद्धि होती है। वैसे अगर आप नहाए हुए हो तो इसका आपको विशेष आपको आवश्यकता नहीं है। मैं आज आपको बताता हूं कि संकल्प कैसे लिया जाता है। दोस्तों, संकल्प के द्वारा हम किसी भी देव को, जिसकी भी हम साधना कर रहे हैं, वह आपको आवश्यक होता है, इसलिए कि हम उस संकल्प में सामने वाली शक्ति को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहते हैं कि हम यह अनुष्ठान इस रूप में इस कार्य के लिए कर रहे हैं। जैसे कि मैं किसी मंत्र का जाप धन प्राप्ति के लिए कर रहा हूं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हम काम ले रहे हैं किसी भी शक्ति से, वो हम काम क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं और किस तरह से काम हम लिया जा रहा है। जैसे कि मैंने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का मैं जाप अगर किसी के आरोग्य के लिए कर रहा हूं, तो मैं बाकायदा उसमें संकल्प लेकर के बोल दूंगा तो उस ओम नमः शिवाय के जाप से मुझे जो फल प्राप्त होगा वो आरोग्य में जाएगा। अगर मुझे ओम नमः शिवाय के जाप से अगर मुझे धन चाहिए होगा, तो मैं संकल्प में बोल दूंगा कि इसके बदले मुझे धन चाहिए, तो उस मंत्र के जाप के जो भी तप हमारा बनता है, जो भी इसका जो फल मिलता है, उसके बदले हमको धन की प्राप्ति होगी। यदि मुझे ओम नमः शिवाय के जाप के बदले में यदि मुझे संतान सुख चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से संकल्प लूंगा और संकल्प लेकर के मैं उसका एक सवाल का जो भी अनुष्ठान है, जो भी जाप में करता हूं, उस जाप का जो फल मिलेगा उसके बलबूते हमें संतान प्राप्ति होगी।
बिना संकल्प के आपका कोई भी दान नहीं करना चाहिए, आपको कोई भी किसी तरह की आपकी पूजा नहीं करनी चाहिए, कोई भी किसी तरह का आपको जाप नहीं करना चाहिए, ना ही आपको कोई भी हवन करना चाहिए। बिना संकल्प के, बिना पूजन के सामने वाली शक्ति हमेशा कंफ्यूजन में रहती है कि वह आपके इस फल का, वह आपके इस पूजन का आपको क्या फल प्रदान करे। हो सकता है कि आपको धन की आवश्यकता हो और वो आपकी संतान को दे, हो सकता है कि आप कुछ और करवाना चाहते हो और वो शक्ति आपको कुछ और करा दे, या हो सकता है अगर आपने संकल्प नहीं लिया दिया है तो हो सकता है कि वो आपको फल न देगी, आपके संतान को फल दे, क्योंकि सामने वाली शक्ति को आपने वर्क ठीक से नहीं दिया है, हो सकता है कि वो उसका फल आज ना दे करके 10 साल बाद दे या अगले जन्मों में दे। हमारे कर्म अवर चढ़ जाते हैं क्योंकि हमने सामने वाली शक्ति को यह बताया ही नहीं है कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूं यह कर्म मैं किस हेतु कर रहा हूं। तो संकल्प प्रत्येक साधनाओं में आवश्यक होता है और आवश्यक रहता आया है। एक संकल्प होता है संस्कृत में जो काफी लंबा पड़ता है और जिसके लिए संस्कृत सीखना अनिवार्य होता है। ओम विष्णु विष्णु जम्बो दिव्य 12 कल्पे कलियुग के प्रथम चरण आर्यावर्त भरत खंडे वगैरह का जो संकल्प है वो काफी लंबा चला जाता है और शुद्ध संस्कृत में है। मेरे पास में पूरे हिंदुस्तान के लड़के आते हैं, साधक आते हैं, जिनका काम होता है उनको हिंदी तक नहीं आती, ऐसे समझो उन्हें हिंदी बोलना ठीक से नहीं आता, संस्कृत बहुत दूर हो गया। तो उनको भी साधनाएं हमें करवानी है, तो इसके लिए मैं एक सरल पद्धति में, जैसा मैं स्वयं ही यूज करता हूं, हम स्वयं जिस तरह से संकल्प लेते हैं आपको हम उसी तरीके से संकल्प लेकर के आपके हम वचन आपको बताएंगे कि आपको संकल्प सबसे बेहतर और इजीली तरीके से कैसे लिया जाता है। सबसे पहले आप अपने दाएं हाथ में पानी लीजिए, उसमें थोड़े से आप चावल डाल दीजिए, एक हाथ बायां हाथ अपने हाथ के नीचे लगाइए। जैसे आपका यह दीपक यहां पे जला हुआ है आप वहां पे ऐसे बोलिए, जैसे कि मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का धन प्राप्ति के लिए संकल्प लूंगा तो मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे लिया जाएगा। अगर मेरे गुरुदेव श्री गिरीश गुरु जी महाराज हैं और उन्होंने मुझे वह मंत्र प्रदान किया है, उन्होंने मुझे आज्ञा प्रदान की है, तो मैं किस तरह से संकल्प लेता हूं देखिए। मैं तांत्रिक हरीश कुमार श्री गिरीश गुरु जी द्वारा प्रदान किए गए ओम नमः शिवाय मंत्र का श्री गुरु आज्ञा से इस जल को और इन 10 दिशाओं को साक्षी मानकर, मैं अग्निदेव को, इन जल देव को साक्षी मानकर के, अगर आपका कोई इष्ट है, आपका वहां कोई विग्रह मौजूद है तो आप अपने इष्ट को भी इसमें साक्षी बना सकते हैं। जैसे हनुमान जी हैं आपके इष्ट या आपकी काली है तो आप उनको भी साक्षी बना सकते हैं कि मैं महाकाली को या भगवान शिव को, माता पार्वती को साक्षी मान करके, आप ये 4-5 साक्षियां आपके संकल्प में होना बहुत आवश्यक है। इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपका जो जाप है वो खंडित नहीं माना जाएगा, उसका फल ये लोग कहीं ना कहीं जाकर के निकालेंगे, देंगे ही देंगे आपको। साक्षी जरूरी होती है, गवाह जिसे बोलते हैं। बोलिए कि मैं भगवान शिव भगवती पार्वती को साक्षी मान करके ओम नमः शिवाय मंत्र का 25 लाख का जाप धन प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। मैं इसका जाप धन प्राप्ति के लिए, अपने सुख और सौभाग्य के लिए कर रहा हूं। मेरा जाप सफल हो, मेरी मनोकामना पूरी हो, इस तरह से आप बोल करके ये जाप आप यहां नीचे जमीन पर छोड़ दीजिए। ये एक हिंदी में और शुद्ध रूप से और सरल भाषा में संकल्प हो गया। इसमें आपने अपने मंत्र को, आपने अपने इष्ट को, इसमें आपने अपने गुरु को, गुरु की जो आज्ञा है उसको, इन सबको शामिल कर लिया है। आपने जल देव को, अग्नि देव को आपने इसमें साक्षी माना गया है, आपने 10 दिशाओं को और जल को आपने इसे साक्षी माना है, तो इन सब के बलबूते आपका जो जाप है वो खंडित नहीं होगा, आपको उसका पूरा पूरा उसका फल मिलेगा। क्योंकि इतनी सारी साक्षियों के बीच में रहकर कि जब आप कोई भी अनुष्ठान पूजा करोगे तो आपको अनुष्ठान का फल आपको 100% मिलेगा। आपको लोग क्या करते हैं कि केवल अकेले बैठ करके ही जाप कर लेते, होता सब है मौजूद, मानते नहीं है। अग्निदेव जलदेव है मौजूद लेकिन हम उन्हें साक्षी बना ही नहीं रहे हैं, हम उनसे पूछ ही नहीं रहे हैं तो वो भी हमें साक्षी नहीं देते। आपको सरल सिंपल तरीके से आपको हनुमान चालीसा का जैसे जाप करना है, आप थोड़ा चावल लो, पानी लो। मान लीजिए कि आपको हनुमान चालीसा आपके गुरुजी ने नहीं दी है, लेकिन आपको संकल्प आपको कैसे लेना है, आप अपना हाथ, बाया हाथ नीचे रखिए और बोलिए मैं तांत्रिक हरीश कुमार अपना नाम लेकर के,
कहीं ऐसा नहीं है कि मेरे नाम से संकल्प लेने शुरू कर दो आप लोग। सीधा सीधा बोलिए, मैं तांत्रिक हरीश कुमार हनुमान चालीसा का अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गुरु आज्ञा से, वहां पर आप गुरु आज्ञा लगा लीजिए, और कोई भी अनुष्ठान करने से पहले आप अपने गुरु से आज्ञा अवश्य लीजिए। बोल दीजिए कि मैं हनुमान चालीसा का अपने और अपने परिवार की सुरक्षा हेतु, या आप किसी और का कार्य कर रहे हैं तो आप वहां पर उसका नाम ले लीजिए कि मैं उसकी सुरक्षा हेतु अपने गुरु आज्ञा से इन जल को और इन दसों दिशाओं को साक्षी मानकर हनुमान चालीसा का 5 पाठ, 11 पाठ, 51 पाठ, 108 पाठ, जितना भी आप जो करना चाहें उतना जप करने का मैं संकल्प करता हूं। बस ये लेकर के आप यहां पे इसे अपना आराम से किसी पात्र जो होते हैं उनमें आप छोड़ सकते हैं। ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है ये एक संकल्प में कहलाती है, और आप इस तरह से जब आप जाप करोगे आपको 100% कामयाबी मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप शायद संकल्प लेने का जो विधि है वो आप समझ चुके होंगे। बाकी मेरी वेबसाइट पर, मेरे ब्लॉग पर ये सारी विधि जो है डिटेल्स में है, आप वो सारा वहां पे जाकर के उसको आप विस्तार से पढ़ सकते हैं और आप विस्तार से और ज्यादा गहरा समझ सकते हैं। जब आपका जाप पूरा हो जाता है उस समय आपको फिर से यही सब दोहराना है। देखिए, मैं तांत्रिक हरीश कुमार, मैंने जो भगवान शिव को, अग्निदेव को, जल देव को साक्षी मान करके जो ओम नमः शिवाय मंत्र का 1,25,000 का जो मैंने जाप किया है, या 10,000 का जो मैं जाप कर रहा हूं, यह जब मैं भगवान शिव के आपको दाएं हाथ में समर्पित कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए और ऐसे करके इसको आप छोड़ दीजिए। आपने हनुमान चालीसा को जो जाप किया, आप ऐसे बोल दीजिए कि मैंने जो हनुमान चालीसा का गुरु आज्ञा से अग्निदेव जलदेव को साक्षी मान करके जो मैंने 5 पाठ अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किए हैं, वह मैं हनुमान जी आपके दाएं हाथ में समर्पित कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए और मेरे परिवार की सदैव रक्षा कीजिए। ऐसा करके आप बोल करके ये आप छोड़ दीजिए। आपका संकल्प हो गया, उस संकल्प को आपने अपने देव को, आपके इष्ट को आपने समर्पित भी कर दिया। ये दो छोटी सी प्रक्रिया है जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे और मैं आगे आपको सुरक्षा चक्र के बारे में जानकारी दूंगा, वह आप और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा वीडियो मेरा अगला। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।